किंग खान शाहरुख खान के लिए कल का दिन काफी खास था क्योंकि ड्रग्स केस में फंसे उनके बेटे आर्यन को कल हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मन्नत में मन्नतें पूरी हुई। शाहरुख के बेटे बीते 2 अक्टूबर से एनसीबी की हिरासत में थे और वो इस वक्त जेल में हैं। गुरुवार को मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी। इस खबर से खान परिवार ही नहीं बल्कि शाहरुख के फैंस भी खुशी से झूम उठे। बेटे की जमानत के बाद शाहरुख की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो अपनी लीगल टीम के साथ हैं। उनके चेहरे पर बेटे के घर आने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि जैसे ही शाहरुख खान को आर्यन की जमानत के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसी के साथ रोहतगी ने बताया कि शाहरुख बेटे को लेकर इस कदर परेशान थे कि उन्होंने अपने काम से जुड़ी सभी गतिविधियां छोड़ दी थीं। रोहतगी के मुताबिक किंग खान पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थे। इस मामले के लिए उन्होंने अपने नोट्स खुद बनाए और मुझसे उस पर चर्चा करते थे। वो ठीक से खाना भी नहीं खाते थे और बस कॉफी पर कॉफी पीते रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे क्योंकि इससे पहले 2 बार आर्यन की जमानत रद्द हो चुकी थी। आर्यन के मम्मी पापा को लेकर रोहतगी ने कहा कि दुर्भाग्य से निचली अदालत से उन्हें जमानत नहीं मिली, इसलिए मामला उच्च न्यायालय में आया और 1 महीना बीत गया। माता पिता बहुत चिंतित थे इसलिए वो मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। बता दें कि शाहरुख की नई तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 25 दिनों से आर्यन जेल में थे और शाहरुख ने सब कुछ छोड़ अपना सारा फोकस बेटे को बाहर निकालने में लगा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान काफी दिनों से अपने घर में नहीं थे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से शाहरुख कहीं और रह रहे थे और वो आने जाने के लिए अपनी कॉमन कार का इस्तेमाल भी नहीं करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख साउथ मुंबई के ट्राइडेंट होटल में रह रहे थे जहां मुकुल रोहतगी भी थे। शाहरुख खान आने जाने के लिए क्रेटा कार का इस्तेमाल करते थे। आर्यन के जेल से शाहरुख की सेहत पर तो असर पड़ा ही, साथ ही गौरी खान की भी तबीयत बिगड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेशन कोर्ट द्वारा लगातार जमानत याचिका खारिज होने पर गौरी काफी परेशान हो गई थी। कई लोगों ने बताया कि गौरी अपने दोस्तों से फोन पर बात करते हुए रो रही थी। आर्यन की बहन सुहाना खान भी इंडिया वापस आना चाहती थी जो कि अब विदेश में है। पापा शाहरुख के कहने पर सुहाना वापस नहीं आई, लेकिन अब भाई को जमानत मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जिसमें सुहाना और आर्यन अपने पापा शाहरुख खान के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोर्ट आज अपना विस्तृत आदेश देगी जिसके बाद आर्यन खान को रिहा कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख और गौरी खुद जेल जाकर आर्यन को घर लेकर आएंगे या फिर पूजा ददलानी और शाहरुख के बॉडीगार्ड भी आर्यन को घर लाने के लिए आज आर्थर रोड जेल जा सकते हैं। खैर अब तो शाहरुख गौरी बस अपने बेटे को घर लाने के लिए बेताब हैं। सर हिंदी में बताइए क्या कहा कोर्ट ने, हिंदी में बताइए सर, हिंदी में बताइए सर, हिंदी में। जाएगा काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया सर, काउंटर आर्गुमेंट नहीं हो पाया, उसके पहले ऑर्डर आ गया जी। काउंटर आर्गुमेंट सारे आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट होने के बाद में ऑर्डर आता है, प्रोसीजर यही है। पूरा काउंटर आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा उनका आर्गुमेंट हुआ, 1 घंटा हमारा हुआ, फिर ही ऑर्डर मिला। सर मुकुल रोहतगी अभी भी सबमिशन कर ही रहे थे कि अचानक अदालत ने आदेश दिया, क्या हुआ था? सारे सबमिशन बराबर हो गए हैं, पूरा प्रोसीजर के अनुसार ही पूरा ऑर्डर हो गया, सबकी सुनवाई बराबर से हो गई एंड ऑल हैव बीन गिवन प्रॉपर से, ए प्रॉपर आर्गुमेंट इज बीन टेकन केयर and everything has been okay. बड़ा दिन है सर आपके लिए आज, बड़ा दिन है सर, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप, बहुत दिनों नहीं बहुत मिनटों से इंतजार कर रहे थे। 34,560 मिनट्स इतने दिन से मेरे बच्चे अंदर है, मेरा बच्चा अंदर है, आर्यन भी मेरे बच्चे जैसा है, तो 34,560 माई मिसिज वॉज काउंटिंग द मिनट्स नॉट डेज, सो यू शुड रिमेंबर द एगनी ऑफ दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड, जेल में जाना ट्रॉमेटिज्म है, जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ सो मेनी अदर्स हु हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड इनसाइड द जेल। आज बच्चा फिलहाल के उस साइड पे तो पता चलता है एग्नी क्या होती है,
तो इन द सिस्टम हैज टू बी इम्प्रोवाइज टू अ ग्रेटर एक्सटेंड फॉर द सोशल नीड, दैट्स अबाउट इट। तो ये असलम मर्च हो जाएगा तो बोल खाती है ये कर आ जाए चौधरी से हमारे चावल से जाए ये मत करो तिवारी अरे इधर से इधर से चला चला इधर इधर मुंह है क्या उसका। अरे यार तू भी है। क्यों यहाँ अचानक चलाता है? ये बोलते चल मच गया तू चल बैठ दे सबको देख ले हो गया चले रे। एक बार दिखाओ अच्छे से दिखाओ एक मिनट में बस ले पोस्टर पे पोस्टर हो गया चलो ये तो मच गया अरे कुछ बोलो तो भाई भाई थोड़ा तो बोलो शाहरुख और क्या भाई शाहरुख बहुत खुशी हुई कि आर्यन बाहर आ गया और कोई खुशी बोलूंगा कि जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ट्विटर के ऊपर जो ट्रोल कर रहे थे ना भाई को ये याद रखना आप लोग पे भी बीतेगी कभी ना कभी जो लोग भाई के बारे में अगेंस्ट थे ना उन लोग पे भी बीतेगी याद रखना सब लोग सब पे बीतती है कभी ना कभी सही है भाई की फिल्म का एक डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है अरे तुम लाइट कहां लगा दी थोड़ा इधर देखिए थोड़ा इसे क्रॉस करो ना पोस्टर ऐसा
अच्छा क्लियर हटा रहे हो ऐसे लोग सर हाथ पे आ रहे हैं। चलो चलो थैंक यू हाँ भाई हो गया मराठी मध्ये सांगा सर देखिए मुनमुन को आर्यन को और अरबाज को तीनों को भी जो बेल मिली है सबसे पहले तो हम खुश यही है कि तीनों की बेल ग्रांड हो चुकी है। इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की हुई थी आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है इसके बेसिस पे। अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि मैंने खुद के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है NDPS एक्ट के अंदर और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आनी बहुत जरूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगी और दूसरी चीज हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है वो अपलोड हो जाए। किस ग्राउंड्स पे आज जो है हाईकोर्ट ने देखिए ग्राउंड्स अभी मेंशन हुआ नहीं है क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट पे ही सिर्फ वर्बली ऑर्डर पास हुआ है। कल जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पर ये अलाउ हुआ है। NCP ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था। उसके अलावा NCP ने कुछ जहाँ तक आर्यन की बात है वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है विटनेस टैम्परिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप लोग के फेवर में क्या रहा कोई नई बात NCP की तरफ से नहीं आई है? जहाँ तक मुनमुन का सवाल है CMM कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा पुटअप नहीं किया हुआ गया था। हाई कोर्ट में एक NCP नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ, वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो आज NCP ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज नंबर सोवैन को जो इश्मित है इश्मित से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ CDR रिकॉर्ड भी उनको मिला था उनका ये सबमिशन था। बट उसके काउंटर में ऑलरेडी हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे, जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन दे हमारा एप्लीकेशन अलाउ हो गया। अभी हम क्या चाहते हैं कि आर्यन मुनमुन और अरबाज कब निकलेंगे जेल से? देखिए अभी जैसे ऑपरेटिव पार्ट अभी ऑर्डर पास हुआ है, कल हम उम्मीद करते हैं अगर कल पूरा ऑब्जर्वेशन ऑर्डर पास हो जाएगा एटलीस्ट अगर रोजनामा आ जाए तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल सेकंड हाफ तक पॉसिबल। सर आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के तीन अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर वन, अरबाज मर्चेंट नंबर टू एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन दवेचा, उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो है या सनीचर तक बाहर आ गए। आप खुश हैं सर? थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।